सो गाइस, बात करने वाले हैं मीशो के बारे में। मीशो में कैसे आप अपनी बैंक डिटेल को डिलीट कर सकते हैं अगर आपने मीशो को यूज़ करना बंद कर दिया है या फिर मीशो से रीसेलिंग बंद कर दी है और आपको लगता है आपकी बैंक डिटेल कहीं लीक ना हो जाए या फिर उसका कोई मिसयूज़ ना हो जाए, तो आप चाहते हैं आप अपनी मीशो में जो बैंक डिटेल डाली है उसको रिमूव करना या फिर डिलीट करना है, तो दोस्तों वो कैसे आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली यही बताने वाला हूं कि मीशो से आप अपनी बैंक डिटेल को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो कुछ भी लगी लाइक कीजिए, वीडियो में आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, मीशो को ओपन करना है। मीशो को जैसे ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको होम इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर मीशो पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ यहां पर देख सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको ये एक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस अकाउंट वाले ऑप्शन क्लिक करना है और यहां पर आपको काफी सारे और मीशो के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आपको एक माय बैंक डिटेल का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इस माय बैंक डिटेल पर आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे जो आपकी ओरिजिनल जो भी बैंक डिटेल है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी और यहां पर आपने चेक या फिर आपने पासबुक का फोटो सबमिट किया होगा। ऐसे में दोस्तों अब आप चाहते हैं कि इसको डिलीट करें या फिर रिमूव करें, तो कैसे रिमूव करें इनको, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, आपको मीशो कोई भी बैंक डिटेल को डिलीट करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करवाता है। बस ओनली दोस्तों एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है, वो है दोस्तों यहाँ पर एडिट का ऑप्शन। तो दोस्तों इस एडिट के ऑप्शन को यूज करते हुए अपन इस बैंक डिटेल को डिलीट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपने जो भी पासबुक का फोटो डाल रखा है वो यहाँ पर चेंज पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और दोस्तों कोई भी इस तरह से आप रैंडमली फोटो क्लिक कर लीजिए। जैसे आप रैंडमली फोटो क्लिक करेंगे तो उसको ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये रैंडमली फोटो यहां पर आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपने जो ओरिजिनल बैंक अकाउंट नंबर डाल रखे हैं वो आप रिमूव करके कोई भी रैंडमली आप बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए, 10 डिजिट डाल दीजिए। और 10 डिजिट डालने के बाद इनको क्या कीजिए, टैप करके इनको कॉपी कर लीजिए और नीचे आप कंफर्म के अंदर इनको पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो नेम है वो रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के आईएफएससी कोड डाल देने हैं जो कि है पी वाई टी एम 01234 56, ये डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप सबमिट कर लीजिए। जैसे सबमिट करेंगे तो कुछ अपडेटिंग डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेगी और दोस्तों यहाँ पर आपको अपडेट सक्सेसफुली देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर इनवैलिड दिखाई देगा। बट दोस्तों जो पहले वाली जो डिटेल थी बैंक डिटेल वो रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी आपकी बैंक डिटेल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर आईएफएससी कोड इनवैलिड बता रहे हैं तो बताने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों जैसे आप ये प्रोसेस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ओरिजिनल बैंक डिटेल होगी वो यहां से डिलीट हो जाएगी, आपको कोई भी बैंक डिटेल यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। ये एक सबसे इजी तरीका है और दोस्तों इस तरीके से ही आप मीशो में बैंक डिटेल को डिलीट कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कंप्लीट आप कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको ज़रूर से नया वीडियो बना के दूंगा और बहुत ही इजी तरीके से आप ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आपकी जो बैंक डिटेल होगी वो डिलीट हो जाएगी, कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आप माय अकाउंट के अंदर जाइए और वहाँ पर ये प्रोसेस कीजिए और आपकी बैंक डिटेल को डिलीट कर दीजिए मीशो से। बाकी दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक कीजिए, वीडियो बनाया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू।